हेलो फ्रेंड्स, आपका फिर से स्वागत है। क्लास 8 चैप्टर 2 एक्सरसाइज 2.4 के क्वेश्चंस लेकर आपके सामने आए हुए हैं। पहला क्वेश्चन है, अमीना थिंक ऑफ ए नंबर एंड सब्ट्रैक्ट 5/2 फ्रॉम इट। सी मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाय 8। द नंबर नाउ ऑब्टेंड इज 3 टाइम्स द सेम नंबर थॉट ऑफ। व्हाट इज द नंबर? यहाँ पर आपको नंबर फाइंड आउट करना है जो अमीना सोच रही है। ठीक है, तो अमीना थिंक ऑफ ए नंबर एंड सब्ट्रैक्ट 5/2 फ्रॉम इट, मीन्स जो नंबर वो सोच रही है उसी नंबर से आपको सब्ट्रैक्ट करना है 5/2। एंड सी मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाय 8। इस टाइप का हमने क्वेश्चन एक सॉल्व किया था एक्सरसाइज 2.3 में। तो सपोज जो अमीना सोच रही है नंबर, वो नंबर आपका क्या है, x है। तो अमीना थिंक ऑफ ए नंबर एंड सब्ट्रैक्ट 5/2 फ्रॉम इट, मीन्स हो जाएगा आपका x माइनस 5/2। सी मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाय 8, मीन्स जो इसका रिजल्ट आ रहा है उससे मल्टीप्लाई कर देना है किससे, 8 को। एंड द रिजल्ट नाउ ऑब्टेंड इज 3 टाइम्स। रिजल्ट नाउ ऑब्टेंड 3 टाइम्स द सेम नंबर सी थॉट। सेम नंबर सी मीन्स सेम नंबर मीन्स ये नंबर जो अमीना सोच रही है, मीन्स 3x। ओके, तो ये आपकी इक्वेशन हो गई। क्लियर हुआ नहीं क्लियर हुआ, मैं फिर से बता देता हूँ। यहाँ पर अमीना थिंक ए नंबर, सपोज अमीना एक नंबर सोच रही है, वो नंबर क्या है आपका, x है। नंबर क्या है आपका, x है। अब उस नंबर में क्या करना है, सब्ट्रैक्ट 5/2 फ्रॉम 8, मीन्स सब्ट्रैक्ट कर देना क्या 5/2 को। देन सी मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाय 8, मीन्स जो इसका रिजल्ट आ रहा है उसमें आपको 8 का मल्टीप्लाई करना है। द रिजल्ट नाउ मीन्स जो इसका रिजल्ट है नाउ ऑप्टेंड इज 3 टाइम्स। जो रिजल्ट है वो ऑप्टेंड हो रहा है 3 टाइम्स द सेम नंबर। सेम नंबर मीन्स x, तो 3x। ये इक्वेशन आ गई आपकी। अब इसको आपको सॉल्व करना है, तो आई थिंक यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए आपको। 5/2 8 इक्वल टू 3x, तो 8x माइनस ये कैंसिल आप यहाँ से करेंगे। ओके ठीक है, अभी डिवाइड नहीं करते। 5/2 इंटू 8 इक्वल टू 3x, तो अब यहाँ से हम कैंसिल आउट करते हैं, ये 4 हो जाएगा। तो 8x माइनस 20 इक्वल टू 3x, तो 8x माइनस 3x इक्वल टू 20, तो 5x इक्वल टू सॉरी 5x इक्वल टू 20। सो नाउ x इक्वल टू 20/5, ये वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू क्या आ गई, 4। मीन्स जो अमीना नंबर सोच रही है वो नंबर क्या आपका 4 है। ओके, यहाँ से आप वेरीफाई भी कर सकते हैं। तो वेरीफाई के लिए क्वेश्चन नहीं है राइज है, तो हम यहाँ पर वेरीफाई नहीं करते। जो यहाँ पर क्वेश्चन किया है व्हाट इज द नंबर, तो वो नंबर क्या आपका 4, ये आपका आंसर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन, ए पॉजिटिव नंबर इज 5 टाइम्स अनदर नंबर। मीन्स एक कोई नंबर है और दूसरा नंबर क्या है उसका 5 टाइम्स है। इफ 21 इज एडेड टू बोथ द नंबर्स, मीन्स जो एक आपका नंबर है और एक आपका जो 5 टाइम्स नंबर है अनदर नंबर, दोनों में अगर हम 21 ऐड करें, देन वन ऑफ द न्यू नंबर्स बिकम्स ट्वाइस द अदर न्यू नंबर्स। व्हाट आर द नंबर्स? क्लियर? तो यहां पर सपोज हमारा क्या है, एक नंबर है x नंबर है, जो दूसरा नंबर है वो उसका क्या है 5 टाइम्स है। दूसरा नंबर क्या है 5 टाइम्स। वन नंबर आपका क्या है, वन नंबर आपका x है, और अनदर नंबर क्या है आपका, जो दूसरा नंबर है वो आपका क्या है 5x है। According to question, if 21 is added, तो अगर हम यहाँ पर add करें, means 5x plus 21 equal to x plus 21. So if 21 is added to both the numbers, दोनों number में अगर आप 21 add करें, then one of the new number becomes twice the other new number. तो यहाँ पर ये इक्वेशंस आ जाएगी। सो व्हाट आर दी नंबर्स, ये इक्वेशंस आ गई। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, सॉल्व कर लीजिए। तो 5x प्लस 21 इक्वल टू 2x प्लस 42। तो 5x माइनस 2x, तो 42 माइनस
21, यहां पर क्या आ गया, 3x इक्वल टू 21, तो x इक्वल टू 21 बाय 3, तो x की वैल्यू क्या आ गई आपकी 7, तो यहां पर वन नंबर क्या हो गया आपका 7, एंड अनदर नंबर क्या हो गया आपका 5 इंटू 7 मीन्स 35। ठीक है, आप यहां से वेरीफाई भी कर सकते हैं, इफ वन इफ 21 इज एडेड तो आप यहाँ पर 7 प्लस 21 करिए, और इधर क्या रहेगा आपका 35 प्लस 21, तो और यहाँ पर 12 आप मल्टीप्लाई करके देखिए ये वैल्यू क्या होगी आपकी 28 मीन्स 2 इंटू 28 28, और ये क्या हो जाएगा आपका 6 5 56, और इसको भी आप मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी भी वैल्यू क्या आ गई आपकी 56। ओके, यहाँ से आप वेरीफाई भी कर सकते हैं एल एच एस इक्वल टू आर एच एस। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये कौन सा क्वेश्चन आ गया, ओके प्रीवियस क्वेश्चन 2.3 का एक्सरसाइज है। नो 2.4 का ही, क्वेश्चन है आपका सम ऑफ द डिजिट ऑफ ए टू डिजिट नंबर इज 9, व्हेन वी इंटरचेंज द डिजिट इट इज फाउंड दैट द रिजल्ट न्यू नंबर इज ग्रेटर देन द ओरिजिनल नंबर बाय 27, व्हाट इज द टू डिजिट नंबर। ओके, क्वेश्चन क्या है, सम ऑफ द डिजिट ऑफ ए टू डिजिट नंबर इज 9। ओके, तो सम ऑफ द डिजिट ऑफ ए टू डिजिट नंबर इज मीन्स कोई टू डिजिट नंबर है उसका सम क्या है आपका 9 है। व्हेन वी इंटरचेंज द डिजिट इट इज फाउंड दैट द रिजल्टिंग न्यू नंबर इज ग्रेटर देन द ओरिजिनल नंबर बाय 27। सो सपोज अगर हमारा कोई नंबर है वो नंबर का डिजिट क्या है एक्स है। ओके, तो दूसरा जो डिजिट होगा वो दूसरा डिजिट क्या होगा, क्योंकि सम क्या है आपका 9 है, दूसरा डिजिट क्या होगा आपका 9 माइनस एक्स, तो फर्स्ट डिजिट क्या हो गया आपकी एक्स हो गई, दूसरी डिजिट क्या हो गई आपकी 9 माइनस एक्स, तभी तो यहाँ पर सम ऑफ डिजिट क्या हो रहा है आपका 9 हो रहा है। व्हेन वी इंटरचेंज द डिजिट इट इज फाउंड दैट द रिजल्टिंग न्यू नंबर इज ग्रेटर देन। ओके, नाउ यहाँ पर कंसीडर करते हैं, लेट डिजिट एट 10 प्लस बी एक्स, देन डिजिट एट 1 प्लस विल बी 9 माइनस एक्स, एक आपका एक्स हो गया दूसरा आपका 9 माइनस एक्स हो गया। हम यहाँ पर टू डिजिट की बात करें इसलिए 10 प्लस भी आएगा वहां पर, तो ओरिजिनल टू डिजिट नंबर इज, ओरिजिनल टू डिजिट नंबर क्या हो जाएगा आपका 10x प्लस 9 माइनस एक्स, क्योंकि यहाँ पर ये आपका 10 प्लस भी तो आएगा ना, यूनिट प्लस एंड 10 प्लस 100 प्लस इस टाइप से, तो ये ओरिजिनल नंबर क्या हो गया आपका 10x प्लस 9 माइनस एक्स आफ्टर इंटरचेंजिंग द डिजिट मीन्स आपका इंटरचेंजिंग द डिजिट मीन्स ये आपके डिजिट जो पहले 9 माइनस एक्स है ये आप 10th की प्लेस में पहुंच जाएगा और जो आपका एक्स है वो यूनिट की प्लेस में आ जाएगा। तो आफ्टर चेंजिंग द डिजिट द न्यू नंबर इज 10 9 माइनस एक्स प्लस एक्स, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 10x प्लस 9 माइनस एक्स प्लस 27 इक्वल टू 10 9 माइनस एक्स प्लस एक्स। तो आप इसको सॉल्व करिए, सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर x जो वैल्यू आएगी x की वो वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 3। ओके, तो ओरिजिनल नंबर इज व्हाट, ओरिजिनल नंबर इज 10x प्लस 9 माइनस एक्स मीन्स 10 इंटू 3 प्लस 9 माइनस 3, तो 30 प्लस 6 इक्वल टू 36, दस द नंबर इज 36। अब यहाँ पर 3 प्लस 6 करिए वैल्यू क्या आ रही है आपकी 9, ये यहाँ पर सम ऑफ द डिजिट ऑफ टू डिजिट नंबर इज 9। क्लियर, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, शोबुस मदर्स प्रेजेंट एज इज 6 टाइम्स शोबुस प्रेजेंट एज, शोबुस इज 5 ईयर फ्रॉम नाउ विल बी 1/3 ऑफ हिज मदर्स प्रेजेंट एज, व्हाट आर देयर प्रेजेंट एज। ओके, तो नाउ यहाँ पर हम कंसीडर करते हैं कि जो प्रेजेंट एज है शोबुस की, शोबुस की प्रेजेंट एज क्या है आपकी एक्स है, तो मदर की एज क्या हो जाएगी आपकी 6x, क्योंकि शोबुस मदर्स प्रेजेंट एज इज 6 टाइम्स शोबुस प्रेजेंट एज। तो अगर हम यहाँ पर इसकी एज क्या मान लें एक्स मान लें, तो शोबुस की मदर्स की प्रेजेंट एज क्या हो जाएगी आपकी 6x हो जाएगी। शोबुस एज 5 ईयर फ्रॉम नाउ, अभी से हम 5 ईयर्स की बात कर रहे हैं, विल बी 1/3 ऑफ हिज मदर्स प्रेजेंस एज, सो 1/3 मीन्स जो मदर की प्रेजेंस एज है वो आपकी क्या है, मदर की प्रेजेंस एज 6x है। ओके, तो शोबुस एज आफ्टर 5 ईयर्स क्या हो जाएगी आपकी x प्लस 5, तो
अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक्स प्लस फाइव इक्वल टू 1/3 ऑफ कबूज मदर्स प्रेजेंट एज, प्रेजेंट एज क्या थी आपकी सेक्स एक्स, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा आपका एक्स प्लस फाइव इक्वल टू 1/3 इंटू सेक्स एक्स, तो एक्स प्लस फाइव इक्वल टू 2x, तो 2x माइनस एक्स इक्वल टू 5, तो x इक्वल टू क्या हो गया आपका 5, मीन्स कबूज की प्रेजेंट एज क्या आ गई आपकी x, तो मदर की क्या हो जाएगी आपकी 6 इंटू 5 मीन्स 30 ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी टाइप की क्वेश्चंस और भी हैं 2.4 में एक्सरसाइज में। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज है आपकी एक्सरसाइज 2.5, सॉल्व दी फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस। आपको लीनियर इक्वेशन सॉल्व करनी है, यहाँ पर आपको एलसीएम कॉन्सेप्ट भी यूज करना पड़ सकता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका है एक्स बाई टू माइनस 1/5 इक्वल टू एक्स बाई थ्री प्लस 1/4। ठीक है, तो एक्स बाई टू माइनस एक्स बाई थ्री इक्वल टू 1/4 प्लस 1/5। आप एलसीएम लीजिए सिंपली, तो एलसीएम इसका क्या है क्या 6, तो यहाँ पर 3x माइनस 2x इक्वल टू इसका एलसीएम क्या आ जाएगा आपका 20, 5 प्लस 4, तो 3x माइनस 2x x बाई 6 इक्वल टू 9 बाई 20। सो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहाँ से कर सकते हैं आप, या डायरेक्ट आप कैंसिल करें तो इसकी वैल्यू क्या 3 आ जाएगी आपकी 10, तो x इक्वल टू 27/10। ओके, तो यहाँ से आप ये आपका आंसर हो जाएगा, एक बार आप चेक कर लीजिए और वेरीफाई कर लीजिए। x बाई टू माइनस 1/5 इक्वल टू x बाई थ्री प्लस 1/4, तो x बाई टू माइनस x बाई थ्री यहाँ पर आ गया 1/4 प्लस 1/5, इसका एलसीएम 20। कोई इशू नहीं, यहाँ पर 4 भी हो सकता है या आप इसको 5 कर सकते हैं, दोनों का आंसर सेम ही रहेगा। अगर आप ऐसे करें तो ये भी ये आ जाएगा यहाँ पर 4 प्लस 5, दोनों सेम है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज अगर आप देखें तो। थ्री एक्स माइनस, तो आई थिंक इट इज़ क्लियर, तो इसका रिजल्ट क्या गया x इज इक्वल टू 27/10। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका n बाई टू माइनस 3n/4 प्लस 5n/6 इक्वल टू 21। आप यहाँ पर इसका एलसीएम दीजिए, एलसीएम क्या आएगा यहाँ पर, तो इसका आई थिंक इसका भी एलसीएम आपका 6 आएगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका 3n, इससे आप करिए बार चेक करिए आप यहाँ पर, फोर से यहाँ पर जाएगा, आई थिंक यहाँ पर कुछ गलत है, इसका एलसीएम आएगा 12 आएगा, तो 4 यहाँ पर, अब यहाँ पर इसको चेंज कर लेते हैं, तो इसका एलसीएम क्या आ जाएगा यहाँ पर 12, तो 6x माइनस यहाँ पर क्या वैल्यू आ जाएगी 4 3 12, तो 3 3 9n प्लस 6 2 12 10n इक्वल टू 21। ओके, तो 10 प्लस 6 16 16 माइनस 9 16 माइनस 9 7n/12 इक्वल टू 21। यहाँ से कैंसिल करिए 3, तो n इक्वल टू 12 × 3 मीन्स 36 ही आपका आंसर n की वैल्यू। नेक्स्ट आपका x प्लस 7 माइनस 8x/3 इक्वल टू 17/6 माइनस, मीन्स x प्लस 7 माइनस 8x/3 इसको आप इधर ले आइए, प्लस 5x/2 इक्वल टू 17/6। तो अगेन करिए x माइनस 8x/3 प्लस 5x/2 इक्वल टू, ये इक्वल टू है डज नॉट नहीं है, 17/6 - 7। ओके, तो इसको अगर आप सॉल्व करें, मैं यहाँ पर फिर से रीराइट करता हूँ, x/3 प्लस 5x/2
जाएगा 17 माइनस 42। तो यहाँ पर आप डायरेक्ट आप सॉल्व कर सकते हैं 42 एंड 25 बाय 6। और इसका अगर आप एलसीएम लें तो इसका एलसीएम 6 आएगा, 6x माइनस 2 16x प्लस 3 15x इक्वल टू 25 बाय 6 आपका कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पर 6x माइनस x इक्वल टू 25, तो 5x इक्वल टू 25, तो x इक्वल टू 5, ये आपका आंसर आ गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट आपका ये भी सिंपल ही है, 15y, तो 15y माइनस यहाँ पर क्या होगा आपका 60 माइनस 2y प्लस 18, 5y प्लस 30 इक्वल टू 0, 15, 5 20 और 20 में 2 सब्ट्रैक्ट किया आपने तो 18y एंड माइनस 60 प्लस 60 तो माइनस 30, माइनस 30 प्लस 12, माइनस 30 प्लस 12 इक्वल टू 0, तो 18y एक मिनट, ये आपका माइनस 30 ये आपका 18 है, तो माइनस 12 इक्वल टू 0, देखिए ना 15 5 20 और 20 में आप 2 और सब्ट्रैक्ट किया आपने तो 18 60 यहाँ से क्लियर हो गया, तो y इक्वल टू 12 बाय 18, 4 से नहीं जाएगा यहाँ पर, 3 से जाएगा, 3 4 जा एंड 3 6 जा, अगेन यहाँ पर 6 से भी जा सकता था डायरेक्ट 2 3, तो ये आपको y की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो 15z माइनस 21, 18z माइनस 22 इक्वल टू 32z माइनस 52 माइनस 17, तो आपका 15z है ये वैल्यू, तो माइनस 3z और ये 22 है, तो माइनस 2z पर माइनस 22 माइनस माइनस 21 एंड माइनस 22 माइनस 43 इक्वल टू, यहाँ पर क्या वैल्यू आपकी 32z है, 32z और 52 माइनस यहाँ पर ये आपकी वैल्यू 9 और ये आपकी 6, ओके माइनस 2z माइनस 2z माइनस 32z इक्वल टू माइनस 69 प्लस 43 माइनस 34 इक्वल टू, पर ये 6 वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 2 आ जाएगी यहाँ पर माइनस, आप एक बार और चेक कर सकते हैं 9 माइनस 3 6 और 6 माइनस 4 2, माइनस माइनस कैंसिल आउट, तो जेड इक्वल टू 26 बाय 34, तो यहाँ पर वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 13 बाय 17, चेक कर सकते हैं आप आंसर एक बार और वेरीफाई कर सकते हैं। यहाँ पर ये नहीं है वैल्यू 10 पॉइंट, तो माइनस 2.5 इंटू 4 मीन्स ये क्या हो जाएगा आपकी एफ ई आ जाएगा यहाँ पर माइनस 7.5 इक्वल टू, अब इसको आप मल्टीप्लाई करिए 0.5 इंटू 10 से अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.5 एफ और इधर आप करेंगे तो 45 आएगा ना, मीन्स 9 इंटू 5 करेंगे तो 45 आएगा एंड तो वैल्यू 0.45, ओके तो एफ माइनस 0.5 एफ इक्वल टू माइनस 0.45 प्लस 0.75, ओके तो
ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 0.5 f, एंड इधर हो जाएगा आपका 0.3। ठीक है, पॉइंट पॉइंट आप कैंसिल कर दीजिए यहाँ से, तो f इज इक्वल टू 3/5, ये आपका आंसर है। एक बार और वेरीफाई कर लीजिएगा, क्लियर। ये यूनिट आप चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है, चैप्टर 3 स्टार्ट करेंगे, तो मिलते हैं चैप्टर 3 में नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट बॉक्स में फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू।